दोस्तों, ACL की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ACL की प्रॉब्लम के बारे में हम समय समय पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि इससे जुड़ी भ्रांतियों को आपसे दूर किया जा सके। काफ़ी सारे लोगों के साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी है और इसलिए मैंने ये सवाल इस वीडियो में मैं आपको उसका आंसर देने जा रहा हूं। जैसे ही MRI पर पेशेंट को ये पता चलता है कि उसे ACL टियर है और साथ में मेनिस्कस टियर है, तो वो काफ़ी घबरा जाता है। उसे समझ भी नहीं आता कि अब वो कौन सी एक्टिविटीज़ करे तो कोई नुकसान नहीं होगा, कौन सी वो कर सकता है, कौन सी वो नहीं कर सकता। कुछ लोग कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही कम एक्टिव हो जाते हैं, और दोनों की तरह के लोगों का नुकसान होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या एक्टिविटीज़ तो ईजिली कर सकते हो जिससे कि कोई नुकसान नहीं होगा, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ACL एक ऐसा लिगामेंट है जो घुटने का बैलेंस बनाने का काम करता है। तो अगर आपकी ACL लिगामेंट टूटा आ गया है और अगर आपने डॉक्टर से प्लास्टर लगवा लिया है तो वो सही नहीं है। प्लास्टर को तो आपको तुरंत प्रभाव से हटा देना है और पैर में आप एक नी ब्रेस लगा के चल सकते हैं। नी ब्रेस का फायदा ये रहता है कि 24 घंटे नहीं लगाना पड़ता, अपनी इच्छा और कन्वीनियंट से अपन इसको हटा सकते हैं, और साथ में घुटने की बेंडिंग की एक्सरसाइज करनी होती है। अगर आप घुटने को सीधा ही रख के बैठ गए और आपको लगा कि ACL सही हो जाएगा तो वो तो होगा नहीं, साथ में घुटना भी जाम हो जाएगा, और ऐसे में हमें एक और ऑपरेशन सिर्फ घुटने की बेंडिंग खोलने के लिए भी करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी ACL की आपको चोट लगती है तो आपको कोई भी प्लास्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बेड रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घूम फिर सकते हो, सिर्फ आपको नी ब्रेस लगा के रखना है, और जब आप TV देख रहे हो या घर पे बैठे हो तो आप नी ब्रेस हटा के और पैर की बेंडिंग कर सकते हो। आपको स्टेयर्स चढ़ना भी अलाउड रहता है। अगर आपकी ACL के साथ साथ मेनिस्कस टियर भी हुआ है तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप आलती पालती मारकर ना बैठें, नीचे ना बैठें, स्क्वेटिंग ना करें, और इंडियन स्टाइल का टॉयलेट यूज़ ना करें। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी होती है अगर ACL और मेनिस्कस टियर हो और आप सर्जरी का वेट कर रहे हो? तो ऐसे में आपको रनिंग नहीं करनी है, स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, जंपिंग नहीं करनी है, साथ ही किसी ऐसी जगह भी नहीं जाना है जहाँ पर कि आपको फिसलने का डर हो। अभी मेरे एक ज्वेलर फ्रेंड मुझे दिखाने आए थे और उनके ACL का टियर था, तो मैंने उन्हें कहा था कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब, मैं तो कोई भागता नहीं हूँ, दौड़ भाग भी नहीं करता, तो मुझे ACL की सर्जरी कराने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने उन्हें यही समझाया था कि देखिए, आप करवा लीजिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी बन सकती है। हाल ही में क्या हुआ कि उनका बाथरूम में पैर फिसल गया और दूसरे पैर का ACL लिगामेंट भी टूट गया। तो आप सोच सकते हैं कि अब उनकी दोनों पैर की सर्जरी हमें एक साथ करनी पड़ी है। तो आप थोड़ी सावधानी रखिए, चलना फिरना अलाउड है। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल बेड पे ही लेट जाओ या वॉकर यूज़ करो, आप चल फिर सकते हो, नी ब्रेस लगा के रखो। बहुत ज़्यादा गेमिंग या स्पोर्ट्स एक्टिविटी मत करो, बहुत ज़्यादा ज़मीन पे बैठना, स्क्वेटिंग मत करो, दौड़ भाग से, डांस इत्यादि एक्टिविटी से बचो, वरना अगर मेनिस्कस भी फट गया तो उसके बाद उसको भी रिपेयर करना पड़ता है। और कई बार आप लगातार अगर स्पोर्ट्स करते रहते हो तो मेनिस्कस में इररिपेयरेबल टियर भी हो सकता है, जिसे जोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी ACL के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते इसके बारे में। क्या आपकी भी ACL रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट मुझे WhatsApp कर सकते हैं, और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।